अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको GTA 5 के अंदर होंडा सिविक रिबॉर्न इंस्टॉल करना सिखाऊंगा टाइप आर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं जितने मैंने यहाँ पे मोड इंस्टॉल किए हैं, जितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आपको फाइल मिल जाएगी, FD2 की फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है उसका रियल जो कुछ भी है FD2, ठीक हो गया। तो इसके लिए आप कुछ ये पहले ओपन आई वी को आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ओपन कर लें ओपन आई वी को। और अगर आपके पास ओपन आई वी नहीं है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एडिट मोड में आना है, उसके बाद मोड्स अपडेट 64 डी एल सी पैक सॉरी, यहाँ पे FD2 को आके पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। तो अभी जो 50% मोड है ना वो तो भाई जान इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से मैं अभी बंद कर देता हूँ। हाँ जी, बैक आ जाता हूँ। यहाँ से अपडेट RPF कॉमन डाटा एंड DLC लिस्ट, यहाँ पे DLC लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपने जो लास्ट वाली है ना लाइन, कोई भी लाइन, उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे ला के दोबारा से नीचे वाली लाइन पे कॉपी करके उसे एंटर दबाना है ताकि नीचे वाली लाइन पे आप आ जाए, और वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको उसका नाम चेंज कर देना है, बिल्कुल नाम वाली लाइन भी मैं चेंज करके लिखना है FD2, ठीक है। FD2 लिख देंगे एंड सेव कर देना बस। तो मोड इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ GTA 5 के अंदर जाके FD2 होंडा सिविक। तो अभी ना गाइज मेरी गेम जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे मंगवाते हैं अपनी होंडा सिविक, ठीक हो गया। तो स्पॉन में आके आपके पास दो मेथड हैं, अगर आपने वैसे ही सर्च नहीं करना तो ये स्पोर्ट्स में फर्स्ट पे आई होगी 2008 पे, ठीक हो गया। ये एज यू कैन सी गाइज ये है भी इसकी राइट साइड पे ड्राइविंग है, और आपको इसका दूसरा मेथड मिल जाएगा यहाँ पे FD2, आप वहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको उस गाड़ी की सारी चेक करवा देता हूँ, कस्टमाइजेशंस एंड अदर थिंग्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग खड़ी करते हैं गाड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इस वो सिविक बनाते हैं जो आम इस तरह पाकिस्तान में घूम रही होती है, ठीक हो गया। ये आज तक मैं स्पॉयलर्स में यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको रिमूव विंग, ठीक हो गया। तो ये गाड़ी सिंपल बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, ठीक है। तो आप इसके सारे ऑप्शंस आगे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये देख लें आप लोग इसके सारे स्पॉयलर्स, ये भी हो गया एंड फ्रंट बम्पर, ये मिल गए आगे, ये दो हैं, तो ठीक है। उसके बाद आ जाता है रियर बम्पर, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है सिंपल जो है वो ये वाला है, फिर ये और फिर ये है, सिंपल ये वाला है, फिर ये है और फिर ये है, ठीक हो गया। तो ये वाला बेस्ट लग रहा है, ठीक है। चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद वो अंदर वाली साइड से चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर गाड़ी खाली है बिल्कुल, ये लगाने से आपकी गाड़ी में ये ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग ग्रिल पे। ग्रिल पे आने के बाद ये आ जाता है हमेशा से, ये आगे ग्रिल हमेशा से आगे वाली आगे वाले पार्ट को चेंज कर देती है, जो हर जिसके अंदर से सारा अपना करता है बाहर, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है ग्रिल भी। हुड पे आ जाते हैं आगे, तो हुड मुझे इतने ज़्यादा फिट नहीं लगे मगर फिर भी एक बार आप लोग भी देख लें, ठीक हो गया। तो ये स्टॉक वाला परफेक्ट है। उसके बाद आता है रूफ़, रूफ़ पे पीछे से जो ये वाली है ना बोनट कह रहा हूँ ट्रंक, हाँ जी ट्रंक का जो पीछे से वो थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, कार्बनाइज हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये तो हम लोग इसकी फुल कर देते हैं, ब्रेक्स ट्रांसमिशन और हॉर्न इसका स्टॉक ही रखते हैं। सस्पेंशन से भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार, मज़े की हो जाती है गाड़ी। उसके बाद आर्मर पेंट इसका हम लोग रखते हैं, फ्रॉस्ट वाइट आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, ब्लैक में गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। सेकेंडरी में आ जाता है ब्लैक वाइट, ब्लैक रखते हैं सेकेंडरी में। व्हील्स का भी कलर नहीं चेंज कर सकते, और बाकी नियॉन लाइट हर साइड पर लगा देते हैं रेड कलर में। डोर्स का इसमें बहुत मज़े का ऑप्शन आता है, इफ़ यू आर प्लेइंग इन लाइक कभी कभी बंदा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है ना, वो ऐसे ही खेलने लग पड़ता है कि हाँ भाई मैं ये हूँ वो हूँ, तो फिर आप जैसे जाते हो तो अब ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है ना ये, तो अब
पैसेंजर साइड वाला जो डोर है ना, ये खुद आप ऐसे यहाँ से ओपन कर सकते हो लाइक ये। ठीक हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं हम लोग आगे विंडोज़ पे। विंडोज़ खैर मुझे नहीं इतनी ज़्यादा की फिट लगी, क्योंकि जो फ्रंट वाला है ना, ये फ्रंट वाला भी ब्लैक हो जाता है, इस वजह से फ्रंट वाला भी ब्लैक हो जाता है, उस वजह से मेरा मन नहीं करता लगाने का। तो फिर भी अभी आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। उसके बाद आती है प्लेट टर्बो आ जाता है, उसके बाद एक्सिबन लाइट्स आ जाती हैं, उसके बाद लाइट्स तो यहाँ पे मैं पर्पल रेड रेड रखता हूँ, ठीक है, लाइट भी और वो भी। और नंबर प्लेट जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ये नंबर प्लेट भी चेंज होगी है भाईजान। इंजन साउंड और ये बाकी सब कुछ करने के बाद बंद करता हूँ मैं गेम को, वो टेनिस को, और आप लोग गाड़ी की लुक देख सकते हैं। और एक चीज़ जो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो है कि इसके जो व्हील है ना, वो व्हील्स चेंज करने हैं। व्हील्स अगर आप मुझसे पूछें तो स्पोर्ट्स में मुझे ये वाले व्हील्स बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स वाले व्हील्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्पोर्ट्स में भी मैं लगाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लेता हूँ, और ये वाले ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले लगाता हूँ, ये वाले जिसका इस साइड से अंदर भी मतलब रिम्स अंदर होते हैं, वो वाले मुझे बेस्ट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं अभी ये लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी एक है ये वाला, मगर जो नीचे से है ना वो ज़्यादा फिट लगते हैं, ये वाला लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद आते हैं कलर्स में। कलर्स इसका जो है ना वो रखते हैं ब्लैक ही रखते हैं अभी, और मैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, अंदर से ड्राइव है और स्टेयरिंग व्हील भी आप अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आई थिंक चेंज कर सकते हैं आप लोग। ये अंदर से आ जाते हैं व्हीकल मैन्यू कस्टम्स, और इंटीरियर नहीं आप नहीं चेंज कर सकते, लगा तो था मुझे बट आप नहीं कर सकते। तो फिर भी भाई जितनी गाड़ी बन गई है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट परफेक्ट है। ठीक है, अभी चलते हैं टाइम में, टाइम इसका करते हैं रात, ये होगी रात, और अभी गाड़ी लग रही है ना इधर, वाह ओपी भाई ओपी लग रही है गाड़ी, कौन सी कर रहे हो बंद करो, ओपी गाड़ी लग रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसी है जैसे पाकिस्तान में होती है। अभी ना गाइस आप लोगों ने गाड़ी की स्पीड और ये सब कुछ देख लिया है, अंदर से इंटीरियर भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा इंटीरियर है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इन रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।